तो स्वागत है यार आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोबाइल ऐप रिव्यू चैनल पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे एज कैलकुलेटर ऐप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैंने सर्च बॉक्स में जो है टाइप किया है एज कैलकुलेटर, आपको सिंपल टाइप करने के बाद सर्च करना है। और फर्स्ट नंबर पर एक ऐप आएगा जिसका साइज बहुत ही छोटा है, यानी 3.7 MB का ये ऐप है अराउंड। और इसको डाउनलोड जो है लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया, और इसकी रेटिंग जो है काफ़ी अच्छी खासी है, 4.5। हालांकि इसको रेटिंग दी है बहुत कम लोगों ने, यानी लगभग 3,000 के आसपास लोगों ने इसको रेट किया है। तो इसका यूज़र इंटरफेस वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर किस तरीके से ये दिख रहा है। तो मैंने इसको डाउनलोड किया है, इंस्टॉल भी किया है। तो यहाँ पर मैं मुझे ओपन करने का ऑप्शन कर रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं इसके ऐप पर। तो ऐप तो अभी मैंने इसको रिसेंटली डाउनलोड किया है। यहाँ पर मेनू बॉक्स में यहाँ पर देख सकते हो शेयर वगैरह अपडेट वगैरह के ऑप्शन है। मुझे नहीं पता ये ऐप ऑफलाइन मोड में ओपन होता है या नहीं, होना तो चाहिए यार, एज कैलकुलेटर को यानी उतना कुछ बहुत ज़्यादा काम इसको नहीं करना पड़ेगा। तो यार यहाँ पर ऐप एडवर्टाइजमेंट वगैरह यहाँ पर आ रही है, तो मैं यहाँ पर मेरा डाटा जो है यहाँ पर यार इसको बंद करता है, ऑफ करता हूँ। तो सपोज मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1980, ठीक है, 1980 ऐसे कुछ। तो मैं रैंडमली यहाँ पर, नहीं, ये तो टुडे की डेट है ना, तो 2020, 2020 ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ रैंडमली देता हूँ, चलो 1980। तो ये है मेरी डेट ऑफ बर्थ, ऐसा मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर रैंडमली यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, क्योंकि एज जो है किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है। तो मेरा भी एज सी मैं यहाँ पर आपके सामने नहीं रखा। यहाँ पर क्लिक करता हूँ कैलकुलेट के ऊपर। जैसे मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो मुझे दिखा रहा है कि मेरी एज है 40 ईयर्स 7 मंथ और 10 डेज। तो मेरा नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा, यानी लगभग 4 महीने और 20 दिन के बाद मेरा डेट ऑफ, मेरा बर्थडे जो है वो आएगा, जो यहाँ पर मैंने इंटर किया है। तो मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है, जैसे कि मेरी एज है 40 ईयर्स, टोटल मंथ मुझे हुई है 487, टोटल वीक्स है 2119, 2119, ठीक है। टोटल डेज है 14,833, टोटल आवर्स है इतने हैं 35,592, मुझे वो अब गिनना नहीं आता, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि यार यहाँ पर एक एक देखूँ, दशक देखूँ, शतक देखूँ, थाउजेंड देखूँ, लाख देखूँ, 3 लाख देखूँ, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, इससे मुझे वो आसानी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल सेकंड है 12,81,57,12,00, तो आप उसको कैलकुलेट करो या पर गिनते रहो, ठीक है। तो अपकमिंग बर्थडे है उसके बारे में ये जानकारी दी रही। तो मेरा 2021 में जो बर्थडे आएगा वो फ्राइडे को होगा, 2022 का जो बर्थडे होगा वो सैटरडे को होगा, 2023 का जो बर्थडे होगा वो संडे को होगा, ठीक है। तो सभी बर्थडे जो है 1 तारीख। तो ये सब डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पर यार प्रोवाइड की है। तो अगर तुमको लगता है कि तुम अपना बर्थडे वगैरह के बारे में जानकारी रखना चाहते हो, या डेट ऑफ बर्थ, या भी आप कोई फॉर्म वगैरह भरना चाहते हो तो उससे रिलेटेड आपकी उम्र क्या है वो चेक करना चाहते हो, तो आप यहाँ इस ऐप से यार आसानी से कर सकते हो। तो मैं अभी इसको ऑफलाइन मोड में यहाँ पर कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये कुछ सही से इंफॉर्मेशन देता है या नहीं। भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, चलो 1990 रखता हूँ। तो उसके बाद जो है मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पर
ऑफलाइन होने के बाद भी यानी इंटरनेट का यूज़ ना करने के बाद ही ये कैलकुलेट कर रहा है, तो मुझे पता था ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि इसको स्क्रिप्ट को कहीं से डाउनलोड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कैलकुलेशन अपने आप करना चाहिए। और इसने कैलकुलेशन जो है किया है 30 years 7 months 10 days और नेक्स्ट बर्थडे 4 months 20 days। ठीक, तो बहुत ही अजब, बहुत ही बढ़िया ऐप है एज कैलकुलेटर। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो यार। तो मुझे ये इस ऐप का जो रिव्यू करने में मज़ा इसलिए आया क्योंकि ये ऐप जो है बहुत ही लाइट वेट है, यानी 3.7 MB आपका जो डाटा है इसको डाउनलोड करने में जाता है, यानी बहुत ही लाइट वेट है। ठीक है, तो ऐसे ऐप आपको इस इतना लाइट वेट ऐप आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो और इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी खासी यार। चलो चलते हैं।